हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आशा करता हूँ ठीक होगे। सो हम इस वीडियो में करने वाले हैं अपनी बीड को एडिट। तो बहुत से लोग फोटो शूट पे जाते हैं तो उनकी दाढ़ी सेट नहीं होती, तो वो ऐसे शूट कर लेते हैं, बाद में फोटो अपलोड करते हैं तो बेकार लगती है। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे बीड कैसे एडिट करें। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, और जो पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर दिएगा, जिससे जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ जिसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर जाएँ, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहाँ पर मैं रोज़ न्यू अपडेट देता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये दाढ़ी अपनी कैसे एडिट करें, ठीक है? देखिए, हमने कई पिक्चर अपने दाढ़ी वाले एडिट किए हैं, देखिए ये सब दाढ़ी एडिट की हुई है इसमें। सो बहुत इजी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। अगर ज़रा सी भी आपने स्किप की तो आपके समझ में नहीं आएगी, ठीक है? बिल्कुल बहुत ईजी वीडियो है, ईजी एडिटिंग है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और अगर चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है, वहाँ पे मैं न्यू टोन पे फोटो अपलोड करता रहता हूँ। जैसी भी आपको टोन चाहिए हमें, आप इंस्टाग्राम पे या कहीं भी आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए ओपन करते हैं स्नैपसीड। सॉरी, हमने पहले एडिट की थी और सेव नहीं हो पाई थी। उसके बाद यहाँ से लेते हैं अपने फ़ोटो को, उसके बाद आते हैं पेंसिल पर, सेलेक्टिविटी सेलेक्टिव टूल को सिलेक्ट करते हैं, इसके फेस पर रख के लगभग ब्राइटनेस को करेंगे लगभग 75% या 70%, ठीक है, कोई इतना वो नहीं। और उसके बाद कंट्रास्ट को माइनस करेंगे लगभग 10%, सैचुरेशन को हाई करेंगे लगभग 15%, स्ट्रक्चर को हाई करेंगे लगभग 10%, कर देंगे डन, ठीक है। उसके बाद आएंगे पोर्ट्रेट पे, ठीक है, इसको जूम करेंगे यहाँ से, इसको कर देंगे पूरा हाई, नहीं लगभग 80% रखेंगे, हाई नहीं करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा। और स्किन को कर देंगे फुल, ठीक है, यहाँ से कर देंगे डन। इसके बाद आएंगे इस तीर के ऊपर, ये ऊपर कॉर्नर पे बनाए, फिर व्यू एडिट, और पोर्ट्रेट के ऊपर आने के बाद इस ब्रश के ऊपर क्लिक करेंगे, इस आइज़ पे क्लिक करने के बाद हमें सिर्फ अपने फेस पे पेंट करना है ये रेड, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं, वीडियो को करते हैं फास्ट। और इतना याद रखिएगा, आप लोग इसके ऊपर ना बिल्कुल करिएगा अपनी दाढ़ी पर, अगर दाढ़ी पर करेंगे तो बिल्कुल दाढ़ी भी आपकी स्मूथ हो जाएगी। लिया यहाँ से करिए डन, ये के पहले ऐसी थी अब ऐसी है, यहाँ से कर लेते हैं डन। उसके बाद आते हैं बैक, यहाँ से आते हैं ट्यून इमेज पे, यहाँ से इसकी थोड़ी कलर ग्रेडिंग कर लेते हैं, लगभग कंट्रास्ट को करते हैं 20%, और सिचुएशन को थोड़ा हाई करते हैं लगभग 15%, एम्बियंस को भी सिर्फ 15% करेंगे, और हाईलाइट को -15%, शेडो को -10%, और वार्म तो ये होता है आपका ब्लू टोन पे। जैसे हमें फोटो पूरा ब्लू टोन पे एडिट करना है तो माइनस में चले जाएंगे, और लाइट टोन पे कलर में एडिट करना है तो हाई पे चले जाएंगे। हम ब्लू टोन पे करना है तो हम ब्लू टोन पे जाएंगे लगभग 10%, उसके बाद यहाँ से कर देंगे डन। फिर आएंगे पेंसिल के आइकॉन पे, यहाँ पे विंटेज पे, विंटेज में सबसे नीचे चले जाएंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसके बाद दोनों को, फिर विंटेज में आके लगभग 5% इसको प्लस करेंगे, और स्टाइल को भी लगभग 5% करेंगे, यहाँ से कर देंगे डन, ठीक है। तो पहले देखिए फाइनली फोटो ऐसी थी, अब ऐसी है, तो फाइनली इसमें हो गई मेरी फोटो एडिट। तो चलिए अब हमें क्या करनी है, अपनी दाढ़ी को एडिट। तो यहाँ से आते हैं, सेव कर लेते हैं पिक्चर को अपनी, और उसके बाद ओपन करते हैं अपना पिक्सआर्ट। तो गाइस यार, वीडियो बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर देना। तो चलिए हम आ चुके हैं लाइट रूम में, और सॉरी पिक्सआर्ट में। उसके बाद यहाँ से आते हैं ऐड फोटो को, फोटो पे दोबारा से उसी फ़ोटो को करते हैं हम ऐड। यहाँ पे अब गौर से देखिएगा क्या हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं फिर क्रॉप पे, क्रॉप पे हमें सिर्फ उतना हिस्सा क्रॉप करना है जहाँ पे मेरी बीड है, दाढ़ी, ठीक है, बस उससे ज़्यादा नहीं हमें करना है। यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आप करिएगा, आपकी जैसी दाढ़ी हो, ठीक है, इतना कर लेते हैं, यहाँ से करते हैं डन, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसकी ओपोसिटी को करते हैं लगभग माइनस, फिर अपने फेस के पास जूम करते हैं, इसको फेस के पास लाते हैं, अपने फेस के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना है हमको, ठीक है। पहले थोड़ी बड़ी कर लेते हैं इसको यहाँ से, ठीक है, अब इसकी ओपेसिटी को कर देते हैं हाई, और यहाँ बाद आते हैं ब्रश पे, और उसके बाद आते हैं रिस्टोर पे, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इसको हार्डनेस को बढ़ा लेते हैं और साइज़ को छोटा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं इनवर्ट पे, और यहाँ पे सॉरी रिस्टोर पे आने के बाद हमको दाढ़ी पे मतलब अपनी पूरी बढ़ा लेनी है, ठीक है। उसके बाद आना है हमको ब्रश पे,
और साइज़ को करना है कम। अब यहाँ पे मेन काम है आपका, कितनी आपको दाढ़ी कहाँ तक रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको लगाना है, बीच में चाहे तो आप कट लगाना चाहते हैं तो इरेज़र को साइज़ को थोड़ा महीन करिए, ठीक है। और यहाँ पे अपनी मूँछों के पास से बिल्कुल ऐसे लाइए घुमाते हुए, और यहाँ से ले आइए, ठीक है। देखिए कट लग गया, देखिए कितनी अच्छी एडिट हुई दाढ़ी। और यहाँ से कर लेते हैं इसकी, चाहे आप साइज़ को कम कर दें, ओपेसिटी को चाहे बढ़ा दें, यहाँ से कर लेते हैं डन, ठीक है। तो गाइस ये फाइनली मेरी दाढ़ी एडिट हो गई है, ये देखिए पहले ऐसी थी अब ऐसी है, ठीक है। सो अगर आपको बीच में कट लगाना है जैसे कि, तो अब वो भी हम आपको बताते हैं। उसके लिए आप आते हैं यहाँ से टूल्स पे, टूल्स के बाद आते हैं क्लोन पे, क्लोन के बाद ब्रश के ऊपर आने के बाद ओपेसिटी को लगभग 80% रखते हैं, और हार्डनेस जितनी है उतनी रहने देते हैं, और इसकी साइज़ को बढ़ा लेते हैं और जूम करते हैं फ़ोटो को, और ये गोल ऑप्शन है इसके ऊपर आते हैं, अपने गाल के ऊपर रखते हैं, ठीक है। और इसके साइज़ को लगभग 15% रखते हैं, और यहाँ से ड्रैग करते हैं इसको, ठीक है। ऐसे बार बार रख के, एक बार रख के कर लिया, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे आपको रख के पूरा ड्रैग करना है, देख रहिएगा आप समझ रहे होंगे ये तो बेकार लग रही है, अभी देख रहिएगा आप पूरी वीडियो, ठीक है। और उसके बाद आएंगे आप ब्रश पे, रब इरेजर पे, और ओपेसिटी को हार्ड कर देंगे, हार्डनेस को बढ़ाएंगे, साइज़ को थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ से इसको कर देंगे रिमूव, सॉरी यहाँ से कर देंगे रिमूव, ठीक है। अब यहाँ से आपको जितनी पतली अपनी रखनी है दाढ़ी उतनी रखिए, यहाँ से इसको रिमूव कर दिए बिल्कुल बराबर, ठीक है। ये देखिए कट लग गया, यहाँ से कर देंगे डन। तो गाइस फाइनली हमारी दाढ़ी हो चुकी है एडिट, पहले ऐसी थी अब ऐसी है। अब आप इसमें जो एडिटिंग करना चाहें फ़ोटो में कर सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया बना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके बाद आते हैं ड्रॉ टूल पे और थ्री डॉट पे, और वीडियो को कर देते हैं सेव। तो गाइस जैसी भी आपको वीडियो चाहिए आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दी है, वहाँ से आप जाएं और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।